नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं मनमोहन कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है मुद्दों की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सचिन जी हैं, जो सदर से दावेदारी कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम उन्हीं से रूबरू होते हैं। सचिन जी, आपका आईपा के मंच में स्वागत है। धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे कार्यालय पर। आप किन मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो मेन मुद्दे हैं वो केवल विकास के मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी ने सन 2012 से 2017 तक की सरकार में भी केवल और केवल विकास के कार्य किए हैं, और आगामी हमारे जो मुद्दे हैं वो भी केवल विकास के ही मुद्दे हैं। अगर हम क्षेत्र में काम की बात करें तो क्षेत्र में कितना काम कराया गया है? हाल ही में बीजेपी के जो हैं विधायक हैं, कितना काम उनके द्वारा क्षेत्र में कराया गया है? बीजेपी के जो विधायक हैं, अगर आप उनका काम पूछना चाहते हैं सदर विधानसभा में, तो आप पूरी विधानसभा का दौरा कीजिए। अगर आपको 5 पत्थर भी सदर विधानसभा में बीजेपी विधायक के लगे मिल जाएँ तो गनीमत है। मैं लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, करीब 1000 पत्थर हमारे कार्यों के लगे हुए हैं। चाहे वो नई मंडी का नाला हो, चाहे वो लद्दा वाले का नाला हो, चाहे वो रामपुरी का नाला हो, चाहे वो कृष्णापुरी की सड़कें हों, चाहे वो गली मोहल्लों की सड़कें हों, ऐसा कोई भी कार्य है। पथ प्रकाश में भी मुजफ्फरनगर की जो लाइट व्यवस्था थी वो नंबर 1 पर आई थी, ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं, ऐसा मीडिया बताती है, आप ही के द्वारा हम लोगों को पता लगता है। हमारी कार्य जो है धरातल पर है, और हम जो काम करेंगे वो धरातल पर करेंगे। जुबानी जुमलेबाजी वाला कार्य कोई नहीं करेगा। क्षेत्र की ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिससे क्षेत्रवासी परेशान हैं और विधायक के द्वारा अभी भी वह कार्य नहीं कराया गया? क्षेत्रों में अगर आप अभी प्रशासन की ओर से एक मीटिंग थी, हमने उसमें एक मुद्दा उठाया कि नई मंडी में एक रोड है, रजवाया रोड, लगातार नई मंडी में ये चैन छीनने की समस्याएं, लूट की, इस तरीके की वारदात लगातार होती जा रही थी, कई डकैतियां भी पड़ चुकी थी। तो हमने एक मुद्दा उठाया, प्रशासन की मीटिंग थी, शांति समिति की बैठक, हमने कहा कि रजवाया रोड बड़ी रोड है, चौड़ी रोड है, वहाँ से जब कोई निकलता है तो पता नहीं पाता कि कहाँ गया, तो उस रोड की लाइटें लगातार बंद रहती हैं, बड़ी रोड है, उसकी लाइटें जलनी चाहिए। तो प्रशासन ने उस बात को गोलमोल कर दिया। प्रशासन सरकार के दबाव में है, किसी तरीके का कोई कार्य शहर में नहीं हो रहा है। सुनने में आया है कि विधायक जी के द्वारा जो है क्षेत्र में क्राइम कम करा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? क्राइम की अगर मैं बात करूं, छुटबैया जो बदमाश थे उनके पैरों में गोली मार कर केवल जेल भरने का काम किया गया है। जो मेन क्राइम स्पॉट के बदमाश थे, जो बड़े क्रिमिनल थे, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो लगातार आज भी क्रिमिनल लगातार जो फिरौती और जो हफ्ता वसूली का कार्य वो करते थे वो आज भी बरकरार है। व्यापारी इससे त्रस्त है, व्यापारी घुटा बैठा है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जनता सब जानती है, आने वाले 2022 के चुनाव में जनता सबको जवाब देगी। अगर हम छात्राओं की सुरक्षा की बात करें तो क्षेत्र में छात्राएं कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षा की मैं बात करूं, लगातार चैन स्नैचिंग के मामले हो रहे हैं लड़कियों से स्कूल में, जो बच्चे जाते हैं। अभी पीछे नई मंडी 3 दिन पहली घटना है कि कंबलवाला बाग में एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल आगे लगाकर बदतमीजी की गई। इस तरह की घटनाएं लगातार शहर में लगातार होती रहती हैं। इनसे संभवतः मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए सभी तक सूचनाएँ पहुँचती हैं, और ये घटनाएँ लगातार रोज घटित होती हैं। जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है कि शहर का प्रतिनिधित्व एक ऐसा इंसान करे, एक ऐसा आदमी करे जो जनता की आम पकड़ तक हो, जिससे कार्य कराने में हम इजीली मिल सकें और वो हमारा कार्य करा सके, ऐसी जनता की मांग है। अगर आप विधायक बनते हैं तो ऐसा कौन सा कार्य होगा सबसे पहले जिसे आप पूरा करेंगे? मेरी जो सोच है वो ये है कि सबसे पहले जो हमारे शहर के अंदर सरकारी स्कूल हैं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बहुत गरीब बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं चौपट है, लेकिन
सरकार योजनाएं देती हैं लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाती। हम चाहेंगे कि उनको सुदृढ़ बनाए। दूसरी बात, शहर की विद्युत व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था को हम दुरुस्त बनाएंगे और जितनी भी सरकार की योजनाएं आएंगी उनको धरातल पर लाने का काम करेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो किस तरीके का मॉडल कार्य अपने क्षेत्र में कराया जाएगा, मॉडल क्षेत्र बनाएंगे? हम चाहेंगे कि हमारा शहर का सौंदर्यीकरण हो और मुजफ्फरनगर जो एशिया की प्रथम गुड़ मंडी के नाम से जाना जाता है उसकी विख्यात वही रहे। क्राइम के नाम से अगर मुजफ्फरनगर का कोई आदमी कहीं जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई ये मुजफ्फरनगर के लोग हैं, इनको कमरा मत दो, होटल में कमरा मत दो। तो इस तरीके की जो हमारे शहर की छवि है हम उसको धोने का काम करेंगे। ये हमारे साथ सचिन अग्रवाल जी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि सुरक्षा को लेकर हम जो हैं आगे बढ़ेंगे और अगर मैं विधायक बनता हूं तो सबसे पहले सुरक्षा और बेरोजगारी को ख़त्म किया जाएगा।